नखलऊ किसकी है? नखलऊ इनके पिताजी की है। नखलऊ में मैंने 5 साल के लिए इन्हें बिठाया है, इन्हें जन्म जन्मांतर के लिए नहीं बिठा दिया है। नखलऊ इनके पिताजी की नहीं है, और नखलऊ नवाबों की नहीं रही तो इनकी क्या है? जो ये लोग जो बैठ गए हैं 70 साल के भूखे, ये सिर्फ देश की दौलत हड़पना जानते हैं, हर तरीके से घोटाला कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, और अपने मित्रों से न जाने कौन सी फाइलों पर साइन करके आए, पूरा देश उनको लुटा रहे हैं। वो हम उसमें उगाएंगे, वो जो कहेंगे वो हम करेंगे, उसमें हम सिर्फ 200 रुपये के झाड़ी के मजदूर बन के रह जाएंगे तो हमारी तो जमीनें वैसे ही चली गई। और ये योगी आदित्यनाथ जी धमकी दे रहे हैं तो कौन सा नहीं की दे रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानून बना दिया तो हम तो बर्बाद ही। तो हमें तो अगर वो ये कहते हैं कि हम किसानों के सीने पर गोली मारेंगे तो मार लो। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सरकार का सत्ता का इतना बड़ा नशा हो गया है कि वो किसान को भी आतंकवादी बता रहे हैं, मुसलमानों को भी देशद्रोही बता रहे हैं। ये हमारे पुलिस के जवानों को बदनाम कर दें, बर्बाद दें, देश की सीमाओं पे हमला करवा दें, इनका कोई भरोसा नहीं, नहीं। हिंदू मुस्लिम करवा दें, इनका कोई भरोसा नहीं। 10-5 दलित मरवा दें, किसी और को मरवा दें, इनका कोई भरोसा नहीं। भैया मैं देश से अपील और निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी किसी नेता को चुने तो किसी शादीशुदा को और बच्चे वाले को चुने, जिससे कि अपने देश का और अपने बच्चों का वो ध्यान रखें। तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने उस जो सांसद का और अपने प्रधानमंत्री पद का और जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने अपनी गरिमा जो खो दी, जो पद का एक महत्व था वो पद का महत्व खो दिया और उस सदन का भी महत्व खो दिया। आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि खो दिया उन्होंने? इसलिए कर सकते हैं कि एक तो हमारा लोकतांत्रिक देश है, आप इसे समझते हो, अगर संविधान को समझते हो तो किसी भी सदन के अंदर, कभी भी इस सदन के अंदर किसी भी आंदोलन वासियों को कभी भी आंदोलन जीवी नहीं कहा गया, क्योंकि संविधान ने हमें राइट दिया है कि अगर हमें जरूरत पड़ती है सरकारों से लड़ाई लड़ने की तो हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख सकते हैं और हम लड़ाई लड़ सकते हैं अपने शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी, जो सरकार ने बिना मांगे हमें गिफ्ट दिए, जो 3 काले कानून है वो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर हमें आंदोलनजीवी बताया, एक तो वो गलत है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ये झूठ बता के बोल के बताया सदन के अंदर कि MSP है, MSP रहेगी और MSP कहीं जाने वाली नहीं है। एक बात ये, क्योंकि MSP की कोई कानून नहीं है, किसान ने कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा इनसे? जो कानून आपने बिना किसान की मर्जी के दे दी वो कानून आप अपनी वापस ले लो, और अगर तुम कानून की बात इतनी जरूरी समझते हो उसमें संशोधन की बात करते हो तो MSP की कानून लगा दो। तो MSP पे बात करने को तैयार नहीं। अच्छा, एक जो कानून आई है वो आई है अभी 1 साल पहले, और जो इनके जो वेयर हाउस बन रहे हैं वो 5 साल पहले से बन रहे हैं। तो इससे सीधा होता है कि ये ड्राफ्ट जो कानून का बन के आया है वो अडानी और अंबानी के घर से बन के आया है, अडानी अंबानी के ऑफिस से बन के आया है। मेरा एक सवाल है, मीनाक्षी लेखी ने किसानों को मवाली का, बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगा, क्या ये सोची समझी तरीके से कहा गया था मवाली, या ऐसे ही स्लिप हो गया था? देखो, स्लिप नहीं होता, ये सब प्रधानमंत्री PMO कार्यालय सब प्रधानमंत्री के हाथ के नीचे से निकल के आता है, कुछ नहीं स्लिप होता है। उनको अभी वो मवाली कहते हैं, फिर एक उनमें से आतंकवादी कहता है, फिर एक उनमें से पाकिस्तानी कहता है, खालिस्तानी कहता है। ये प्रधानमंत्री जी और अडानी अम्बानी का पर प्लान एक 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 रिश्ता है। वो किसानों को ये भी कहते हैं हमें वोट नहीं चाहिए और किसानों से ही वोट मांगने जाएंगे। अभी इन्होंने एक उत्तर प्रदेश का जो राज्य मंत्री है उसने टिकैत साहब को धमकी दी है और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में आ गए तो वही हाल होगा जो साइन बाग वालों का हुआ या दूसरों को हुआ। मैं ये कहता हूँ, ये जो ख्याली पुलाव पकाना सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार, ये छोड़ दे, देश की जनता से पंगा ना ले। इस देश की जनता ने बहुत कुछ देखा है। मतलब आप लखनऊ जाएंगे, लखनऊ को चारों तरफ से घेरने? नखलऊ किसकी है? नखलऊ इनके पिताजी की है। नखलऊ में मैंने 5 साल के लिए इन्हें बिठाया है, इन्हें जन्म जन्मांतर के लिए नहीं बिठा दिया है। नखलऊ इनके पिताजी की नहीं है, और नखलऊ नवाबों की नहीं रही तो इनकी क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, नखलऊ में जो नवाब गारंटी लेते थे उनकी नहीं रही। ये एक धुरी है, बदलती रहती है। इनको समझ आना चाहिए
किसान जहाँ जाना चाहता है इनको जाने देना चाहिए। किसान अगर अपनी कानूनी मांग कर रहा है वापसी की तो वापस कर लेना चाहिए। लोकतंत्र को बचाए रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। लेकिन ये लोग जो बैठ गए हैं 70 साल के भूखे, ये सिर्फ देश की दौलत हड़पना जानते हैं, हर तरीके से घोटाला कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं और अपने मित्रों से न जाने कौन सी फाइलों पर साइन करके आए, पूरा देश उनको लुटा रहे हैं। योगी जी ने तो कह दिया ना कि आप लखनऊ आएंगे आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, आप पे FIR होगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो जब्त कर लो ना, कौन मना कर रहा है? हमारी तो संपत्ति वैसे भी जब्त है, जो इन्होंने कानून बनाया उस ड्राफ्ट को आप पढ़ोगे तो हमारी तो संपत्ति जा ही रही है। भाई अडानी अम्बानी ने अगर हमारी संपत्ति ले ली उसके बाद उन पर वो लोन ले लेंगे या वो कहेंगे वो हम उसमें उगाएंगे, वो जो कहेंगे वो हम करेंगे, उसमें हम सिर्फ 200 रुपये के झाड़ी के मजदूर बन के रह जाएंगे, तो हमारी तो जमीन वैसे ही चली गई। अरे योगी आदित्यनाथ जी धमकी दे रहे हैं तो कौन सा नई धमकी दे रहे हैं? वही तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानून दिया तो हम तो बर्बाद ही। तो हमें तो अगर वो ये कहते हैं कि हम किसानों के सीने पे गोली मारेंगे तो मार लो, तुम्हारे पास गोली है, बंदूक है, ये जनता ने दी हुई है, जनता के आशीर्वाद से तुम वहां पहुंचे हो, चला सकते हो और 6 महीने चला लो गोली, क्या दिक्कत है? मंत्री तो ताल ठोक रहे हैं ना, यूपी के मंत्री की इस बार जो है देखो, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सरकार का सत्ता का इतना बड़ा नशा हो गया है कि वो किसान को भी आतंकवादी बता रहे हैं, मुसलमान को भी देशद्रोही बता रहे हैं, मजदूरों को भी यहाँ का हरामी बता रहे हैं, दलितों को उन्हें वोट नहीं चाहिए, ब्राह्मणों को उन्हें वोट नहीं चाहिए। और एक बात बताओ, किसका वोट लेंगे, कैसे सत्ता में रहेंगे? ये कौन सा उनके पास आंकड़ा है, कौन सा उनके पास जुगाड़ है जिससे वो सत्ता में रहेंगे? देश पर कब्जा करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने जो कानून बनाई वो तो इनके गले का हड्डी बने पड़े हैं। और ये देश पर कब्जे की बात करेंगे तो ये हिंदुस्तान की सीमा के बाहर ही जाएंगे, जहाँ इन्होंने चाइना में और पाकिस्तान में मित्र बनाए हैं मोदी जी ने, देश में रहने वाले नहीं है। फिर ये तो आपके भी नेता कम नहीं है ना, आपके भी नेता ने कह दिया कि जो भी गांव जाए नेता उस पर जूते बरसाओ, चप्पल। एक बार बताओ, नेता ने क्या कह दिया? गांव की जनता तैयार बैठी है, जब तुम हमारी जमीन हमारी छीनोगे, हमारा सब रोटी छीनोगे, हमारी नस्ल और फसल की जो तुम हमला करोगे तो गांव की जनता तुम्हारा फूलों से स्वागत करेगी। फूलों से जब स्वागत करती थी तब तो आपने हमें ये कानून दे दिया, अब हमारे पास चारा क्या रह गया? यही तो चारा रह गया कि गाँव हमारा और शहर तुम्हारा, तुम शहरों में कब्जा किए बैठे हो, तुम्हारे पास पुलिस है, प्रशासन है, लाओ गांव में आओ, लगाओ पंचायत। ताकतवर है कि जूता चप्पल चाहे। भाई जब आदमी मर, मैं कह रहा हूँ ना, जब हमारे सवाल का जवाब दीजिए, क्या जवाब दूँ? जूता चप्पल चलाएंगे आपने? झूला जूता, मैं ये कह रहा हूँ, हम आतंकवादी हैं, मैं ये कह रहा हूँ हम आतंकवादी हैं, हम कहाँ से मवाली दिखते हैं, हम कहाँ से देशद्रोही दिखते हैं? हम हमारा भाई जो है सीमा पे लड़ रहा है, हमारा एक भाई यहाँ पुलिस में डंडा लेके खड़ा है, हम इन्हें आतंकवादी दिखते हैं? एक बात बताओ, हम पाकिस्तानी दिखते हैं? कौन से एंगल से पाकिस्तानी दिखते हैं? बिरयानी तो मोदी जी खाने जाते हैं पाकिस्तान की, चाइना में मोदी जी जाते हैं रिश्तेदारी बनाने और चाइना हमला कर देता है, पाकिस्तान आतंकवाद दे रहा है हमारे देश को और मोदी जी दोस्ती निभा रहे हैं और हम इन्हें पाकिस्तानी दिखते हैं? भाई ये कौन सा फार्मूला है इनके पास? आतंकवादी हमला ये करवाते हैं, आतंकवादी हमला करने वाला देविंदर वो पकड़ा जाता है और उसके बाद उसे जमानत मिल जाती है, उसका तो बिगड़ता नहीं कुछ, और एक ब्राह्मण की बेटी आज 6 महीने साल भर से जेल में है, उसको ये लोग छोड़ नहीं रहे, तो ये क्या करना चाहते हैं देश के अंदर? तो टीके साहब ने गलत कहा ना, आप बोले कि हाँ गलत कहा कि जूता चप्पल चढ़ाएंगे, सवालों का जवाब। टिकैत साहब ने जूते चप्पल की बात नहीं की, टिकैत साहब ने ये कहा है कि हम दिल्ली जाएंगे, अगर हम वो बनारस का टोक्यो बना सकते हैं तो हम नखलऊ का दिल्ली बना सकते हैं, और ये एक एक किसान कह रहा है कि हम नखलऊ जाएंगे और नखलऊ को हम दिल्ली बनाएंगे। पहले उन्होंने कहा था कि जो भी नेता गाँव में जाए पर जूता चप्पल अंडे टमाटर टिक्की, उन्होंने नहीं कहा, जनता खुद फेंक रही है, जनता समझदार है, जनता जानती है कि इन्होंने हमारी जमीनें ली, इन्होंने हमारा नस्ल और फसल सब छीन ली, इन्होंने हमारा बर्बाद कर दिया, शहरों में रोजगार छीन लिए, जो है गांव में खेत छीन लिए, फसलों के रेट नहीं दे रहे, खाद के बीज के पैसे बढ़ा दिए, बिजली के रेट बढ़ा दिए, गन्ने का पेमेंट नहीं दे रहे, और बताओ इनके लिए हम फूलों से स्वागत करेंगे? जब तुमने
सब कुछ हमें दिया ही है। महंगाई सरसों का तेल पता है 220 रुपया लीटर है, बताओ हमें आज 110 रुपये लीटर पेट्रोल हो गई, 100 रुपये लीटर डीजल हो गया, बताओ इनका फूलों से स्वागत करेंगे? भैया ये कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। आज दिन तक इन्होंने जो सिलेंडर दिए वो कोने में टिके हैं, उस सिलेंडर को 14 रुपये किलो में कोई खरीदने वाला नहीं है ये, और वो भी कुछ लोगों को दिए। तुम हमें बताओ 1000 रुपये का सिलेंडर, किसान का 1000 रुपये का गेहूं बिकता है 1 क्विंटल, और 1 क्विंटल गेहूं बेच के 1 सिलेंडर बनाने जाएगा, 12 क्विंटल गेहूं चाहिए उसे 12 महीने में सिलेंडर बनाने के लिए। भैया किसान को पागल कुत्ते ने काटा है जो सिलेंडर पर रोटी बनाएगा? ये कुछ नहीं करते भाई साहब, ये सिर्फ देश में भ्रम फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम से जीतना चाहते हैं, युवाओं को भटकाना चाहते हैं रास्ते से। युवा जब रोजगार मांगता है तो इनको बुरा लगता है, जब हम अपनी ज़मीनें आज़ाद कराना चाहते हैं तब इन्हें हम बुरे लगते हैं, और वोट लेने टाइम हम राष्ट्रभक्त बन जाते हैं, कानून वापस कराते टाइम हम देशद्रोही बन जाते हैं। अभी टीवी चैनल पे चल रहा था कि उत्तर प्रदेश में कुछ आतंकी घुसपैठ हुई है जिसको लेकर योगी सरकार बड़ी सतर्क है, उसको कैसे देखें? कुछ नहीं, अब इलेक्शन आ गया है, अब इनका भरोसा नहीं है, ये हमारे पुलिस के जवानों को बदनाम कर दें, बर्बाद दें, देश की सीमाओं पे हमला करवा दें, इनका कोई भरोसा नहीं। हिंदू मुस्लिम करवा दें, इनका कोई भरोसा नहीं। 10-5 दलित मरवा दें, किसी और को मरवा दें, इनका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो आप उठा के। जब जब इन्होंने कहीं इलेक्शन का मामला आता है, कहीं ये नक्सलवाद का कहीं हमला करवा देते हैं, जांच नहीं होती है उसकी। जो हमारा जो हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में, आज दिन तक उसकी जांच नहीं हुई, और जांच कोई क्यों नहीं होती, उस जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं आती, तुम हमें बताओ। और जो ये मर्डर होते हैं, इतने हिंदू मुस्लिम होते हैं, उनकी जाँच रिपोर्ट क्यों नहीं आती? जो यहाँ एक एक इंस्पेक्टर मरा था उसकी जाँच हुई और वो जाँच में दोषी पाया गया, उस दोषी को इन्होंने पद से सम्मानित कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का पद दे दिया। अरे भैया प्रशासन भी तुम्हारा दुश्मन है, जनता भी तुम्हारी दुश्मन है, किसान भी तुम्हारा दुश्मन है, कौन बचता है, किसके लिए काम कर रहे हो तुम? भैया मैं देश से अपील और निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी किसी नेता को चुने तो किसी शादीशुदा को और बच्चे वाले को चुने, जिससे कि अपने देश का और अपने बच्चों का वो ध्यान रखे। इन लोगों के कुछ भी नहीं है।